द्विषावहै व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यता इदमहमन्नृता सत्यमुपैमि कल हमने काफी लंबी चर्चा की थी वारुणी शक्ति के ऊपर तो इसका जब उदय होता है तो साधक इस देवों ने उसको स्वीकार कर लिया दानवों ने तो स्वीकार नहीं किया उसको लेकिन ये हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे अभी हमने यही पढ़ा था कि वो जो वारुणी शक्ति है वो परिग्रहम मार्गमाणा उत्पाता मुझे कौन स्वीकार करेगा ये देखते हुए चारों तरफ देवों दानवों की तरफ देखते हुए वो अभिव्यक्त हुई तो चलो आगे चलिए दिते पुत्रा न तम राम जगृह वरुणात्मज्याम आदित्य स्थावी जग्रोस्तामिंदिताम असुरास्ते न सुरास्ते नदित सु प्रमुदिता इतना पढ़ लेते हैं पहले दिते पुत्र ताम न जग्री हो तात्मज्याम राम हे राम उस वरुण की पुत्री को वारुणी को ताम वरुण आत्मज्याम दिते पुत्रा न जग्रीहु दिति के जो पुत्र थे दैत्य उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया दैत्य ये नहीं मानते हैं कि भगवान देख रहा है और हम कुछ गलत करेंगे तो उसका फल बाद में हमें गलत मिलने ही वाला है तो इसलिए हम गलत ना करें उनकी ऐसी संस्कृति नहीं है दैत्यों की उनकी संस्कृति तो ऐसी है कि जितना अपने हाथ लगे खाओ पियो मौज करो दूसरों को तंग करो दूसरों के ऊपर रूल करो दूसरों को डोमिनेट करो वो तो उनकी वो ही संस्कृति है तो उनके लिए ये वारुणी शक्ति का कोई उनके लिए महत्व नहीं है तो इसलिए उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया दिते पुत्र ताम वरुण आत्मजाम न जग्रीहू आदित्यस्तु सुता वीर जग्रीहू ताम अनिंदिताम ताम, ताम अनिंदिताम उस अनिंदनीय अर्थात जिसकी निंदा नहीं की जा सकती ऐसी उस भगवती शक्ति को वारुणी शक्ति को आदित्य सुताह, जो अदिति के पुत्र थे आदित्य सुता हे वीर राम जो अदिति के पुत्र थे आदित्य या देवता उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया तो देवता ही उस शक्ति का सम्मान करते हैं देवों को ही हमेशा ये लगता है कि कोई हमें देख रहा है कोई जान रहा है सुन रहा है तो ये ही देवत्व है देखो एक होता है मनुष्यत्व एक होता है देवत्व एक होता है भागवत या ब्रह्मत्व तो हम, हम मनुष्यों में मनुष्यत्व क्या है मनुष्यत्व से क्या समझे आप मनुष्य क्यों कहते हैं आप सब तो मनुष्य हैं हम सब मनुष्य हैं तो क्यों कहते हैं मनुष्य हमें नहीं ऐसी कौन सी स्पेशल चीज है आपके पास पशुओं से अलग शरीर है इसलिए मनुष्य हैं ठीक है उसको बोल दिया ऐसे मननात मनुष्य पर मनन भी तो व्यक्ति कब करेगा जब उसके पास बुद्धि और विवेक होगा तो इसके पास विवेक जो है वो मनुष्यत्व है अगर किसी के पास ये शरीर है और वो अपने अनुकूल अच्छा खाना खाने से प्रसन्न होता है अपने शरीर को इंद्रियों को सुख देने से प्रसन्न होता है और फिर वो कहे कि मैं तो मनुष्य हूं तो वो मनुष्यत्व तो नहीं है तो पशु भी करते ही हैं, उनकी मनपसंद का खाना मिलता है हाथी को जब गन्ना या केला खाने को मिलता है तो प्रसन्न होता है वो भी गाय को भी जब घास मिलती है तो प्रसन्न होती है उनको सोने को मिलता है अच्छे स्थान में रहने को मिलता है तो प्रसन्न होते हैं ये मनुष्यत्व तो नहीं है मनुष्य के पास अलग चीज क्या है ज्ञान विवेक उसके पास उनसे अलग है उनके पास नहीं है वो तो मनुष्यत्व का मतलब है विवेक होना तो जैसे प्रकृति नित्य है पुरुष नित्य है ऐसे ही ये विवेक भी नित्य है बोलने को तो हम बोलते हैं कि विवेक ख्याति कब तक बढ़ेगी नहीं वहां योग दर्शन का सूत्र बोलो योगांग अनुष्ठान अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ख्याति। ज्ञान की दीप्ति विवेक ख्याति पर्यंत बढ़ती रहती है ज्ञान की जो रोशनी है दीप्ति है ज्ञान का जो प्रकाश है तो पूर्ण विवेक जब तक ना हो जाए तब तक बढ़ता रहता है लेकिन वास्तव में विवेक नहीं बढ़ता है ना घटता है विवेक नित्य ही है क्योंकि दोनों का विवेक मतलब क्या विचिर पृथक भावे तो जो पृथकता का भाव है उसी का नाम विवेक है और वो तो सदा ही पृथक ही है कभी मिक्स होता थोड़ी है प्रकृति और पुरुष कभी भी सम, उसमें आता नहीं है समन्वय उनका होता नहीं है कभी भी वो मिलता नहीं है नित्य वो पृथक ही है तो इसलिए विवेक नित्य बना ही रहता है विवेक कभी हो कभी ना हो ऐसा नहीं है उस विवेक के ऊपर आवरण आते हैं और उस आवरण को हटाने का जो सौभाग्य है वो केवल मनुष्य के पास है पशुओं के पास नहीं है वो वो विवेक है उनके पास भी है पशुओं के पास भी लेकिन वो इतना ढका हुआ है कि वो धुंधला सा उनको ज्ञान होता है पशुओं को भी तो ज्ञान होता ही है और कभी कभी तो ऐसे लगता है कि कभी कभी किसी किसी फील्ड में तो मनुष्यों से ज्यादा है उनको कहीं कहीं मनुष्य अपने विवेक को बिल्कुल ही भूला रहता है कभी कभी तो जैसे कोई भी पशु बीमार होते हैं तो सबसे पहले वो चारा खाना बंद करते हैं उपवास करते हैं। और यहां तो जब बिल्कुल ही प्राणों पे बन आती है ना सब तरफ से डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तब कहीं योग ग्राम में आकर के दरवाजा खटखटाते और वहां भी आकर के हाय तो भाई मचाते हाय खाने को नहीं मिल रहा है हमें तो ये तो अपने विवेक से होना चाहिए था कि भाई जब बीमार हो गए तो पहला काम क्या करना चाहिए खाना छोड़ो और ये तो क्या करते हैं मतलब खाना पच नहीं रहा है तो भी भर के थाली खा रहे हैं फिर उसको पचाने के लिए एक गोली और खा रहे हैं कि वो पच जाए तो पशुओं में भी विवेक है लेकिन वो बिल्कुल धुंधला है लेकिन इतना है उनके अंदर कि अपने आप को ठीक कैसे रखना है धूप होगी तो वो खड़े होके छाव में चले जाएंगे ठंडी होगी तो उठ के धूप में आ जाएंगे वो प्यास लगेगी तो पानी पी लेंगे और जो अपना नियत आहार है वही खाएंगे उसके अतिरिक्त नहीं खाएंगे गाय मांस नहीं खा सकती है कभी भी उसका नियत आहार घास ही है शेर कभी भी घास नहीं खाएगा भूखा भी मर जाएगा तो भी नियत आहार ही करते इतना विवेक तो है उनके अंदर लेकिन मैं ब्रह्म को प्राप्त करूं ऐसा विवेक उनको कभी हो नहीं सकता है वो सुविधा उन योनियों में नहीं है कभी कभी निम्न योनियों में भी कभी किसी के पुण्य के प्रताप से कभी उद्धार हो सकता है किसी जीवात्मा का जैसे सांख्य दर्शन में हमने चौथे अध्याय में पढ़ा ना कि वो कहानी तो किसी और को सुना रहे थे और पिशाच भी सुन रहा था तो उसको सुनने से उसका भी उद्धार हो गया तो ऐसे कभी हो सकता है वो अपवाद रूप है लेकिन लेकिन मनुष्यों में सब मनुष्य मात्र में यो, योग्यता है कि वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं भगवत्ता की अनुभूति कर सकते हैं क्योंकि विवेक की पराकाष्ठा की सुविधा इसके पास है इस दिमाग के पास इस शरीर के अंदर जो दिमाग है तो इस इंस्ट्रूमेंट में सबके इंस्ट्रूमेंट में ये योग्यता है डॉक्टर इंजीनियर बनने की योग्यता भले हो या ना हो लेकिन भगवान की अनुभूति करने की योग्यता हर मस्तिष्क में है तो ये मनुष्यत्व है इसके अंदर जो विवेक वाला भाग है ना और वो जितना जितना धूल मिट्टी हटा के हम उसको निकालते रहते हैं उस विवेक को उतना उतना हमारा मनुष्यत्व बढ़ता रहता है तो वो मनुष्य से फिर पुरुष से महापुरुष बनता है फिर ऋषि बनता है फिर देवता बनता है जब अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए बिल्कुल उसने इस यथार्थ को जान लिया प्रकृति अलग पुरुष अलग और मैं पुरुष हमेशा पूर्ण हूँ कुछ नहीं चाहिए मेरे को भगवान ने भेजा है साधन दिए हैं तो ये साधन सेवा के लिए हैं ऐसा जो जान लेते हैं शरीर अपना नहीं है अपने लिए नहीं है शरीर भगवान का दिया हुआ है भगवान की ही सेवा के लिए है तो इस गीत को जो जितना गाते रहेंगे बार बार और उसकी उसकी गहराई में जाते रहेंगे और फिर एक स्थिति पे पहुंचेंगे कि मेरा पूरा जीवन संसार की सेवा के लिए है तो उनको फिर कहते हैं देवता जैसे श्रद्धे स्वामी जी महाराज है ऐसे और भी महापुरुष हैं, और भी देव पुरुष हैं, तो देव देवत्व कहां से शुरू होता है देवो दानात देवता किससे बनते हैं देने से देवो दानात, देवो द्योतनाथ देवो द्यूस्थानाथ जो द्यूस्थान में रहते हैं जो हमेशा द्योतित प्रकाशित रहते हैं अंधकार के चंगुल में कभी फंसते नहीं है डिप्रेशन आता नहीं है उनको कभी भी और हमेशा देते हैं वो लेते नहीं है उनको देवता कहते हैं तो ये देवत्व है और एक फिर ब्रह्मत्व उसी का ही यंत्र बन गया मैं हूं ही नहीं मैं को ही मिटा दिया फिर जब तेरे को ढूंढते थे तू मिला नहीं और जब तू मिला तो मैं खत्म हो गया तो ये ये स्थिति ब्रह्मत्व की है तो यहां देवों ने ही उसका वर्ण किया वारुणी शक्ति का पुत्रा सुता ताम अनिंदिताम उस अनिंदनीय उस सौभाग्यशालीनी शक्ति को जिसकी निंदा नहीं की जा सकती ऐसी उस वारुणी को अदिति के पुत्रों ने देवों ने उसको स्वीकार किया असुरास्ते न सुरास्तेन नदित्ये सुता और इसी कारण से तेना तेना इसी कारण से क्योंकि इन दैत्यों ने उसको स्वीकार नहीं किया वारुणी शक्ति को इसलिए दैतेया तेन न असुरा उसका नाम है सुरा, सुर मतलब देव देवता और जिनके अंदर वो नहीं है सुरत्व वो देवत्व नहीं है जिनके अंदर वो हो गए असुर।, असुर तेन दित असुरा इसी कारण से जो दिति के पुत्र थे दितेह पुत्राहा दैतेयाहा तो इसी कारण से जो दीति के पुत्र हैं, वो सब असुर कहलाए और तेन आदित्ये सुता सुराहा और क्योंकि उन्होंने उस वारुणी शक्ति को स्वीकार किया तो इस कारण से अदिते सुताहा अदिति के जो पुत्र हैं वो सुराहा वो देवता कहलाई चासन वारुणी ग्रहणात् सुराहा तो इसलिए सुराहा जो देवता लोग हैं वो वारुणी ग्रहणात् इस वारुणी का ग्रहण करने से इस वारुणी शक्ति को अपनाने से प्रमोदिताश्च आसन तो वो बहुत हृष्ट हुए बहुत प्रसन्न हुए हर्ष हुआ उनको और प्रमोदिता बहुत ही आनंदित हुए आगे अब ये अगला रत्न है फिर उच्च ही स्रवाह मणि रत्न च कौस्तुभम नरे श्रेष्ठ उत्तमम् अथ तस्य कृते रामा महान् आसीत् कुलक्षयः अदितेस्तु ततः पुत्रादितिपुत्रान् न योधयन् एकतामागमन् सर्वे असुराराक्षसै सह युद्धम् आसीन् महाघोरं वीरत्रैलोक्यमोहनम् यदा क्षयं गतं सर्वं तदा विष्णुर्महाबलाः अमृतं सोहरत् तोरणं मायामास्थाय मोहिनीं ते गताभिमुखं अक्षरं पुरुषोत्तमं सम्पिष्टास्ति तदा युद्धे विष्णुना प्रभविष्णु अदितेरात्मजा वीरादितेः पुत्रान् निजघृदे अस्मिन् घोरे महायुद्धे दैतेयादित्ययोर्भृशं निहत्यदिति पुत्रांस्तु राज्यं प्राप्य पुरन्दरः शशासमुदितो लोकान् सर्षिसङ्घान् सचारणान् तु इस्के बाद् उच्चैः स्रवा हयश्रेष्ठमणिरत्नं च कौस्तुभम् अगला रत्न क्या निकला हयश्रेष्ठ अश्व हय माने घोड़ा और उसका नाम क्या है उच्च्रवा हे नरश्रेष्ठ इसके बाद उच्च श्रवा हयश्रेष्ठ उत्तम घोड़ा तो अश्व जो है वो प्राण का भी प्रतीक माना जाता है और अश्व गति का भी प्रतीक माना जाता है गति करने वालों में घोड़े को सबसे शीघ्र कामी माना जाता है तो जब ये वाली वारुणी शक्ति किसी साधक को उपलब्ध हो जाती है माने वो सब जगह ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने लग जाता है न कि किताब में पढ़ करके बस उसका चिंतन नहीं करता है उसको अनुभूति जब होने लग जाती है तो जीवन में गति बढ़ जाती है फिर क्योंकि शक्ति नष्ट होती नहीं है फिर सब जगह जो ईश्वर की अनुभूति करेगा तो उससे कोई भी गलत काम तो होगा नहीं गलत काम की तो बात छोड़ो गलत विचार भी नहीं होगा गलत भाव भी नहीं होगा तो सारी शक्तियां तो बच गई हमारी शक्तियां कुछ तो गलत विचारों में नेगेटिव विचारों में नष्ट हो जाती हैं कुछ नेगेटिव भावों में नष्ट हो जाती हैं और फिर उन विचार और भावों से मिला जुला जो हम काम करते हैं तो उसमें नष्ट हो जाती हैं, तो कुल मिलाकर के फिल्टर करें दिन भर का तो थोड़ा सा ठीक बचता है बाकी तो वेस्ट जैसा ही लगता है मतलब तो ऐसे लगता है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया दिन भर काफी, काफी पुरुषार्थ किया लेकिन अपने खाते में कितना आया वो थोड़ा सा ही बच जाता है बाकी तो सारे अहंकार को बढ़ाने के लिए काम हो जाते हैं हमारे जैसे शास्त्र स्मरण करना बहुत अच्छी बात है लेकिन उसको स्मरण करके यदि अहंकार बढ़ रहा है तो फिर सौदा घाटे का हो गया पुरुषार्थ काफी किया तो भी घाटे का हो गया डिग्री डिप्लोमा लेना अच्छी बात है उससे कुछ स्वाध्याय हो लेकिन उसको लेके यदि अहंकार बढ़ गया कि मैं औरों से कुछ स्पेशल हूं फिर तो घाटे का सौदा हो गया तो असली डिग्री डिप्लोमा क्या है मनुष्य के लिए मनुष्य के अंदर थोड़ी विनम्रता आई थोड़ी उसके अंदर सहनशीलता आई थोड़ी उसके अंदर क्षमाशीलता आई थोड़ी उसके अंदर ये दृष्टि आई कि सब मेरे ही जैसे हैं और सब मेरी तरह ही अपनी एक यात्रा के ऊपर निकले हुए हैं और मैं कुछ के साथ हूं कुछ से थोड़ा पीछे हूं कुछ से एक कदम आगे हो सकता हूं तो सभी चल ही रहे हैं अपने अपने ढंग से तो ये फिर असली डिग्री होती है तेरे भले ही कुछ भी करे भला बुरा संसार नारायण तू बैठकर अपना भवन बुहार बुहार मतलब झाड़ू लगा अपने भवन में दुनिया क्या कर रही है उसकी ज्यादा चिंता मत कर वो भला कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं लेकिन मनुष्य क्या करता है झाड़ू लेकर फिरे घूमता हरदम बाहर ही बाहर झाड़ू लेके घूमता फिरता है कि मैं जाले उतारूंगा मैं सफाई करूंगा और अपने अंदर बहुत सारे जाले लटक हैं, बिल्कुल अंधकार है धूल जम रही है उधर दृष्टि होती नहीं है तो जो समझदार होते हैं वो इस विद्या को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी के ऊपर लेते हैं बाकी सब सेकेंडरी हैं। और जो इसको प्रायोरिटी पे लेते हैं वो लौकिक दृष्टि से बहुत शार्प उनकी बुद्धि होती है और शार्प बुद्धि होती है और घमंड नहीं होता है प्लस अगली बात अहंकार नहीं हो सकता उनके अंदर वो बहुत सरल होते हैं स्वामी जी ने कभी आपको ऐसे दिखाया कि मेरे पास ऐसी बुद्धि है कि सभी काम करने की ऊहा उनके पास है तो ऐसे कभी दिखाते हैं कि आप सब बुद्धू हैं और मैं बहुत शार्प माइंड और बहुत बुद्धिमान हूं ऐसे दिखाया कभी कभी नहीं दिखाएंगे ऐसे लोग वो ये एहसास भी नहीं होने देंगे आपको कि वो महान है वो आपके साथ इस तरह से बातचीत करेंगे जैसे कोई आपके सखा हैं या आपकी माँ हैं या आपके पिता हैं आपके कोई मित्र हैं बहुत सुहृद जन हैं आपके ऐसे बात करेंगे वो बिल्कुल साधारण रूप से ये होती है असली डिग्री तो ये साधक और इस साधक की गति ये कब होती है जब वो भगवान को सब जगह व्यापक मान करके उसको हमेशा साक्षी मान करके ईश्वर के लिए ही सब काम करता है शास्त्र की भाषा में कहें तो ईश्वर प्रणिधान में स्थित होकर के काम करता है गीता की भाषा में बोलें तो योगस्थ होकर के सब काम करता है भक्ति योग की भाषा में बोलें तो भगवान का निमित्त बन करके सब कर्म करता है निष्काम भाव से सब कर्म करता है और यहां रामायण की दृष्टि से देखेंगे तो जिसको वारुणी रत्न मिल गया है मंथन करते करते वरुणी रूपी वरुण की जो सुता है वर्णीय भगवान की जो शक्ति है वो जिसको मिल गई है वो उसको फिर उससे अगला रत्न मिलता है उच्च श्रवा गति बढ़ जाती है फिर मानो की हवा से बात करने वाला घोड़ा उसके पास आ गया महाराणा प्रताप के पास था ना क्या नाम था घोड़ा भी याद है आज तक लोगों को अपने दादा परदादा के नाम भले ही याद हो या ना हो तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम सबको याद है बच्चों को क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया पशु योनि में होते हुए भी उसका जीवन किसके लिए था पूरा परमार्थ के लिए धन्य हो गए तो पशुओं का तो विचारों का परमार्थ के लिए ही होता है लेकिन उसको जो प्रयोग करने वाला था ये भी तो एक बड़ी बात है ना तो वो भी उसके साथ हमर ही हो गया तो इस साधक को अगला जो रत्न निकला उच्च श्रव हय श्रेष्ठ है मणि रत्नम च कौस्तुभम और फिर अगला जब उसकी गति बढ़ जाती है तो वो अपने आप में क्या बन जाता है मणि रत्न कौस्तुभ मणि बन जाता है वो मणियों में भी सर्वश्रेष्ठ मणि कौस्तुभ मणि तो कुछ लोगों को जोड़ तोड़ करके भारत रत्न आदि मिलते हैं कुछ ऐसे हैं कि वो भारत की भूमि में पैदा होकर कर्म ऐसे करते हैं कि वो उनको मिले ना मिले पर सारी दुनिया उनको रत्न से भी ज्यादा महारत्न मानती है तो ये आध्यात्मिक मंथन करने से ये मिलता है कौस्तुभ मणि तो मणि को ढूंढने के लिए कहीं जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि अपने अंदर ही जब हम मंथन करते हैं हम योग के आठ अंगों के माध्यम से जैसे जैसे अंदर मंथन चलता जाता है अंदर अंदर की शक्तियां परिचित हम होते जाते हैं तो उनका ये वर्णन है तो उससे अगला रत्न इनको क्या मिला कौस्तुभमणि मणि नर नरश्रेष्ठ हे नरश्रेष्ठ श्री राम के लिए संबोधन है ये स्थन ये दोनों प्रकट हुए उच्च्रवा हय और कौस्तुभ मणि रत्न तथैव अमृतम उत्तमम और जिसके जीवन में ऐसी गति आ गई जो भगवान का यंत्र बन गया भगवान की सारी शक्तियां कैसी गति से घूम रही हैं बहुत फास्ट गति से घूम रही हैं एक तो मनुष्य के बनाई हुई जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी फास्ट गति से घूमते हैं मोटर गाड़ी पंखा एसी कूलर और भगवान के बनाए हुए हैं वो उससे हजारों करोड़ों गुना ज्यादा फास्ट गति से चलते हैं जैसे मन की गति कितनी फास्ट है सूर्य की गति चंद्र की गति पृथ्वी की गति पृथ्वी की गति यदि फास्ट ना हो तो क्या हम इस पे मकान बना सकते हैं वो इतनी फास्ट घूम रही है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम गतिमान हैं हमें लगता है कि हम तो वहीं हैं हम वहीं नहीं रहते हैं आपको पता है आप रात को सोते हैं और फिर जब सुबह आप जगते हैं तब तक आप कितने ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आ गई आपको लगता है कि मैं अपने गुरुकुल में अपने तकत पे सो रहा हूं बहुत बड़ा चक्कर लगा के आ गए आप रात को जो नक्षत्र थे सुबह दूसरे दिखते हैं आपको कोई दूसरी जगह में आ जाते हैं आप या तो फिर रात को उधर दिख रहा था तो वो सुबह इधर दिखेगा आपको तो बड़ा लंबा चक्कर लगता है पर हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम इतनी तेज गति से घूम रहे हैं तो ऐसे ही सूर्य ऐसे ही चंद्र ऐसे ही पृथ्वी ऐसे ही मनुष्य के जीवन में जब भगवत्ता आती है तो वो कितने काम करता है ऐसा योगी एक एक योगी ने आदि गुरु शंकराचार्य जी उस समय तो ऐसे कोई साधन भी नहीं थे और कितनी छोटी सी उम्र में तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने और इतनी छोटी उम्र में देश के चारों कोनों के ऊपर चार मठों की स्थापना करना इतने शास्त्रार्थ करना इतनी विद्या पढ़ना तो देखो कितनी तेज गति है ना ऐसे ही महर्षि दयानंद के जीवन को देखो जितने भी महापुरुष हुए हैं कितनों का नाम लेंगे उनके जीवन की गति देखो आप सद्य स्वामी जी महाराज का देख लो वो तो लाइव ही है आपके सामने 95 से और अभी 21 तक पच्चीस साल में पच्चीस साल का विस्तार देखो सेवाओं का और शुरू कहां से किया जीरो से कोई जानता भी नहीं था कोई बैकग्राउंड नहीं है ना तो कोई गुरु की गद्दी ना तो कोई धन पास में ना तो कोई पहचान ना कोई लौकिक दृष्टि से इतनी उच्च शिक्षा की डिग्रियां पास में तो देखो कहां से शुरू किया तो ये शक्ति जब जिसके जीवन में आती है तो उसकी गति बहुत तीव्र हो जाती है मैने साधारण मनुष्य की समझ से बाहर हो जाते हैं कि ये काम कर कैसे रहे हैं इनके सलाहकार कौन है तो बहुत लोग है, तो इसी में ही मतलब वो दिमाग लड़ाते रहते हैं कि स्वामी जी तो गुरुकुल में पढ़े हैं इनके अंदर तो इतने आइडिया जा नहीं सकते ये ढूंढो कि इनका सलाहकार कौन है अब वो ढूंढते ही ढूंढते बिचारों को वर्षों हो गए कोई मिला ही नहीं क्योंकि उनका सलाहकार है वो तो अच्छे अच्छों को नहीं मिलता है उनको तो क्या मिलेगा उनका सलाहकार तो ईश्वर है ईश्वर प्रेरणा देता है तो ईश्वर को ढूंढना कोई ऐसे सहज है क्या कि, कि मल्टीनेशनल कंपनी वाले ईश्वर को ढूंढ लें कि कौन उनको प्रेरणा दे रहा है तो ईश्वर उनको अपना निमित्त बना लेता है और वो फिर कौस्तुभ मणि की तरह चमकते हैं देखो कितना बड़ा देश है कितने धनवान लोग हैं कितने डिग्री डिप्लोमा वाले लोग हैं और उनमें से एक व्यक्ति का ऐसे उभर के आना मणि की तरह से चमकना जिनके पास अपनी डिग्रियां नहीं थी वो हजारों लोगों को डिग्रियां दे रहे हैं कितनी बड़ी बात है ये तो ये भगवान की शक्ति के बिना नहीं हो सकता है तो ये कौस्तुभ मणि बन जाते हैं ऐसे लोग और तथिव अमृतम उत्तमम फिर वो उस अमृतत्व को पा लेते हैं वो जीवन मुक्त होकर के ही जीते हैं जैसे योग को लोगों ने हुआ बनाया हुआ था ना कि योग तो कुछ सिद्धों का संतों का ब्रह्मचारियों का योगियों का उसके ऊपर आधिपत्य है आम आदमी योग नहीं कर सकता है और बिना गुरु के तो बिल्कुल योग की प्रैक्टिस शुरू मत करना ऐसे ही लोग बताते थे कुछ लोग करते थे महाराज जी ने उसको सामान्य बना दिया वो कहते हैं इतना भी कठिन नहीं है कोई भी कर सकता है